माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पर क्या आपने कोई ऐसा भक्त देखा है जो मनुष्य ना हो, जिसे समय का ज्ञान ना होते हुए भी वह हर दिन ठीक आरती के समय मंदिर में आ जाता हो? कौन है वो भक्त और कौन सा है वह मंदिर, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित माता चंडी का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भक्तों के रूप में इंसान ही नहीं भालू भी आते हैं। और इतना ही नहीं, हर रोज ठीक आरती के समय भालू मंदिर में आते हैं और आरती में शामिल भी होते हैं। माता चंडी के मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं के साथ भालू भी मंदिर परिसर में माता की आरती में शामिल होने आते हैं और यह सिलसिला पिछले कई सालों से बिना रुके जारी है। पहले आधे दर्जन से ज्यादा भालू मंदिर में आते थे एवं श्रद्धालुओं के बीच पूजा में शामिल होने पहुंच रहे थे। इन भालुओं ने अभी तक कोई भी क्षति किसी को नहीं पहुंचाई है, लेकिन माता के प्रति लोगों के धार्मिक आस्था को बढ़ाने का काम जरूर किया है। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से माँ चंडी का दरबार सूना था। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में भी भालुओं का परिवार ठीक माता रानी की आरती के समय रोजाना मंदिर पहुंच जाया करता था। आरती में शामिल होने के बाद वे लोग फिर जंगल में वापस चले जाया करते थे। 6 भालुओं का परिवार रोजाना मंदिर परिसर में घूमा करते थे, लेकिन अचानक 2015 में 2 भालुओं की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे ही 2019 में एक नर भालू जो 13 साल से रोजाना चंडी माता मंदिर पहुंचकर, इसके अलावा अप्रैल 2021 में भालू के एक शावक का शव मंदिर परिसर से 600 मीटर दूर मिला था। माँ चंडी मंदिर में पशु बलि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। माता चंडी की सेवा सिर्फ फूल, फल, साड़ी, श्रृंगार सहित नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यहाँ जो भी अपने मन्नत को लेकर आते हैं, माता रानी उसे जरूर पूरा करती है। नवरात्र में माँ चंडी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ भालुओं को प्रसाद खिलाता है, माँ उसकी हर मनोकामना को पूरा करती है। और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ भालुओं के लिए अलग से प्रसाद लेकर आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।